का फलस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत। ईरान ने इसराइल को दो टोक पैगाम दे दिया। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान ने इसराइल और अमरीका दोनों को खबरदार किया है कि फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। उनका कहना था कि गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा ने एक बयान में कहा है कि इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐमान लर्ज उठेंगे। दोहा में ईरानी वजीर खारजा ने कतर के अमीर तमीम बिन हमदुस्तानी से भी मुलाकात की है। मुलाकात में उनका कहना था कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो कोई सूरतेहाल काबू करने की जमानत नहीं दे सके। ईरानी वजीर खारजा ने हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया से भी मुलाकात की और कहा कि ईरान फलस्तीनी कौम की हिमायत के उसूलों और इकदाम से कभी दस्तबरदार नहीं होगा।